आरंभ हेला डीजीपी सम्मेलनी। आजकु तीनी दिन धरी चलिबो एही सम्मेलनी। एथिपई करा जायछि जोरदार प्रस्तुति। सारा देशरो बड़ बड़ ऑफिसर माने भुवनेश्वर पहुंची छथी एही सम्मेलनी रे जोग देबा पई। एमिटी देशरो सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मध्य रहिछथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृहमंत्री नित्यानंद राय मध्य एही सम्मेलनी रे शामिल होछथी। तबे समस्ते सर्वभारतीय डीजीपी सम्मेलनी रे शामिल हेबा पई आछथी। तबे तीन दिनिया डीजीपी सम्मेलनी रे कोन करा जिवो केउं प्रसंग उपरे हेबो आलोचना जातीय सुरक्षा अभ्यंतरीण सुरक्षा विषय रे मानस मंथन हेबा सह युग सह ताल देई अपराध क्षेत्र रे टेक्नोलॉजी रो व्यवहार को रोकिबा नै मध्य ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जिवो जहा को नै मिलिछि सूचना। एहा बाद देखिबा को गले एई सम्मेलनी रे आलोचना हेबा कथिबा अन्य गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक भी रही सेगुड़िक रही आतंकवाद, माओवाद, साइबर सुरक्षा, निशा कारबार रोकवा, बेन अनुप्रवेश, शरणार्थी, महिला अपराध नियंत्रण, उपकूल सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव बजाय रखा, नुआ अपराध आईन, भारतीय न्याय संहिता कार्यकारिता, जेल संस्कार, पुलिस आधुनिकरण, अपराध नियंत्रण में टेक्नोलॉजी व्यवहार। तबे एही सम्मेलनी को उद्घाटन करिसेंति गृहमंत्री अमित शाह। प्रथम थर लगे ओडिसा रे हेउतिबा एही सम्मेलनी पई सुरक्षा बळय रे रहिछे राजधानी। सम्मेलन रे जोग देबा को विभिन्न राज्यर पुलिस मुखिया मध्य पहुंची जति। देशर अभ्यंतरीण सुरक्षा सह सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध और निशा कारबार भली प्रमुख प्रसंग रे तीन दिन धरि हेबो आलोचना। अन्यपटे सीबीआई निर्देशक मध्य भुवनेश्वर पहुंची सारिछन्ति। तेलंगाना डीजीपी समेत हैदराबाद स्थित नेशनल पुलिस एकेडमी निर्देशक सम्मेलनी भुवनेश्वर को आसी तेरे पर्यायक्रमे विभिन्न राज्य डेलीगेट्स ओडिशा आसुचार। प्रधानमंत्री केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री, गृह राष्ट्र मंत्री तथा जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जोग देते। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।